मुस्लिम मसीही इत्तेहाद सेवियर पाकिस्तान के सरबराह वर्ल्ड मिनॉरिटी अलायंस के कन्वीनियर और साबिक वफाकी वजीर जसालत ने मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और दुनिया की तवज्जो जंगबंदी की तरफ मबजूल कराने के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से डी चौक तक सर पर मट्टी डाले नंगे पांव अकेले मार्च किया। इस मौका पर एक एम्बुलेंस भी इनके साथ थी जिसमें मट्टी रखी हुई थी। इस मौका पर जसालक का कहना था कि इस वक्त इसराइल की तरफ से फलस्तीन में बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहा है, हजारों फलस्तीनी मर्द बच्चे और खवातीन शहीद हो चुके हैं जबकि लाखों बेघर हो चुके हैं। मजलूम फलस्तीनियों को मसीहियों ने चर्चेस में पनाह दे रखी है जिस पर हम इनके शुक्र गुजार हैं। आर्मी बिरादरी फौरी तौर पर फलस्तीन इसराइल जंग बंदी कराए ताकि बेगुनाह लोगों की जानों को बचाया जा सके। जसालक ने डी चौक में खड़े होकर जंगबंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की और पाकिस्तान भर के बिशप साहिबान से अपील की कि वो अपने चर्चेस में जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं करें ताकि दुनिया को तीसरी आलमी जंग की होलनाकियों की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। आज का जो प्रोटेस्ट है, जो आप वॉक कर रहे हैं, ये बेसिकली इसका पैगाम और मकसद क्या है? हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये जो दुनिया में जो सलामती का खतरा है जी, इसके लिए हम अमन मार्च कर रहे हैं। ये हम अमन मार्च इसलिए तो नंगे पांव हैं जबकि इंतजामिया ने काफ़ी देर आपको रोके रखा, हमने देखा। देखो मकसद ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सही सही सही, तो उन्होंने क्योंकि सारा अरेंज करना होता है सही है जी। तो लेकिन बहर हम आज इतवार है जी, स्पेशली हम दुआ के तौर पर निकले हैं और ये धरती माता जो है जिसको हम प्यार करते हैं, ये हमने सर पे रखी हुई है जी, ताकि खुदावन जो है इस मुल्क में और दुनिया में अमन पैदा करे। सर, आपको लगता है ये सियासी मसला है यहाँ के, ये इंतशार फैलाया गया इस मसले को हवा दे के? बात ये है, हमें गर्ज है अमन से जी सर, हमें हर कीमत पर जंग बंद होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त वहाँ बेगुनाह जो भी शहरी है जी सर, इसमें हमारा यानी हमारा एक ही है कि जंग बंद होनी चाहिए। जंग को बंद करो परवरदिगार, इस जंग को बंद करो मेरे परवरदिगार, मेरे खुदा इस जंग को बंद करो। जानता है कि हम मुस्लिम लोग जो हैं खुदा तेरे पे आस रखते हैं, परवरदिगार इस जंग को बंद करो खुदा, तो इनको अकल दे ताकि ये जंग बंदी हो सके। खुदा तेरे नाम से हम इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं, आज इतवार का रोज़ है, हम तेरे आगे दुआ करते हैं कि खुदा गरीबों मुजलिमों मजदूरों बेकसों की जो सिस्की हैं खुदा वो हमें बेचैन किए हुए हैं और पाकिस्तान चाहता है कि अमन हो, खुदा हमारी दुआओं को सुन कर कबूल कर। आमीन, आमीन।